अस्सलाम वालेकुम आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एक्सपोजर uh, पहली बार हो रहा है साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के साथ तो शुरू करते हैं द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स मीनिंग द स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट अब साइकोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक ऑरिजिन से निकला है जिसमें इसका मतलब है स्टडी अब ग्रीक ऑरिजिन के दो वर्ड्स है साइक और लॉगस जो कि मिलकर साइकोलॉजी की टर्म बनाते हैं साइक मीन सेल्फ सोल और माइंड एंड लॉगस स्टैंड फॉर नॉलेज साइक का मतलब है सेल्फ यानी आपका कह सकते हैं नफ्स या आपकी जात, सोल, आपकी रूह और माइंड आपका ज़हन और का मतलब है इल्म हासिल करना। तो psychology का मतलब है कि नॉलेज ऑफ सेल्फ सोल और कॉन्शियसनेस इन डिफरेंट एराज यानी जैसे जैसे मुख्त अदवार जैसे जैसे वक्त गुजरता गया डिफाइन किया गया है तो ग्रीक एरा में साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता था एज नॉलेज ऑफ सोल सेल्फ और और कॉन्शियसनेस। उसके बाद ग्रीक स्कॉलर्स ने इसको एक और तरीके से डिफाइन किया after, उसके बाद, को कर दिया गया कि आपके माइंड के जो प्रोसेस होते हैं उनकी और आपकी फीलिंग्स की जो स्टडी होती है वो साइकोलॉजी कहलाती है उसके बाद जब साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट बना दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म उससे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता था कॉन्शियसनेस का मतलब है द एक्टिव स्टेट ऑफ योर माइंड यानी जो आपके माइंड की प्रेजेंट स्टेट है जो रियल टाइम स्टेट है वो आपकी कॉन्शियसनेस है यानी अभी आपका माइंड क्या सोच रहा है आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आपकी कॉन्शियसनेस है

मेंटल प्रोसेसेस की यानी आपका आपके रवैये आपके माइंड में क्या चल रहा है इसमें ना सिर्फ लोगों के एक्शंस आते हैं बट आल्सो देयर थॉट्स वो क्या सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं उनकी परसेप्शंस यानी वो चीज़ों को चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं किस तरह उनको समझते हैं उनकी रीजनिंग प्रोसेसेस यानी वो चीज़ों को किस तरह रीजन करते हैं उनकी यानी उनके जहन में किसी भी चीज़ के लिए क्या रीजन बनता है ठीक है उनकी मेमोरीज जो उनके ख्याल होते हैं एंड इवन बॉडीज फंक्शनिंग और उनकी बॉडी uh, की जो फंक्शनिंग है उससे साइकोलॉजी या उनकी जो सॉरी नॉट साइकोलॉजी या uh, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग की वजह से उनका मूड किस तरह अफेक्ट होता है ये तमाम चीजें हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी की डेफिनेशन आती हैं जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं सबसे पहले हमारे पास की डेफिनेशन आती है जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी आपकी जो माइंड की जो रियल टाइम एक्टिविटी है या जो आपका एक्टिव माइंड है उसकी स्टडी को या उसकी साइंस को साइकोलॉजी का नाम नाम दिया गया विलियम जेम्स कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ जेम्स कहते हैं इट इज़ साइंस ऑफ़ वर्ल्ड यानी आपके अंदर की दुनिया की दुनिया फेन। को जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स इन तमाम साइंसेस से साइकोलॉजी को इस तरह डिफ्रेंशियट किया गया कि साइकोलॉजी फिजिकल वर्ल्ड को नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड को स्टडी करती है विलियम मेक्टिकल कहते हैं ये साइंस है बिहेवियर की जेबी वॉटसन कहते हैं इट इज ओनली द साइंस ऑफ बिहेवियर उन्होंने माइंड और कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट्स को डिसरिगार्ड कर दिया रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि जो कुछ है आपका बिहेवियर है और बिहेवियर की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी कहलाती वुड्सवर्थ कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज की जो साइंस है वो साइकोलॉजी कहलाती है यानी आप क्या कैसे एक्ट करते हैं आपकी एक्टिविटीज के पीछे कौन सी फीलिंग्स हैं मोटिवेशंस हैं आप किस तरह बिहेव करते हैं ये तमाम चीज़ें साइकोलॉजी में आती कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मेमोरीज थॉट्स एंड अर्जेस उनका कहना ये है कि जो हमारा बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस uh, मेमरीज से इन्फ्लुएंस होता है यानी जो साइकोलॉजी है वो अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी है अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है जो आपका ऐसा माइंड का पार्ट जहाँ पे आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स या ऐसी फीलिंग्स जो आपने दबा दी हैं आपने कहीं माइंड में पीछे फेंक दी हैं वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है और उसकी जो स्टडी है वो साइकोलॉजी कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं एम्स और गोल्स की तरफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर हैज फोर मेजर गोल्स अब किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कहने के लिए उसके गोल्स डिटर्मिन किए जाते हैं और चार गोल्स होते हैं सबसे पहला होता है डिस्क्राइब फिर दूसरा एक्सप्लेन तीसरा प्रोडिक्ट और चौथा चेंज हम साइकोलॉजी को साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये चार गोल्स साइकोलॉजी पर अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहला गोल ये है कि हम साइकोलॉजी में क्योंकि बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले बिहेवियर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बिहेवियर होता क्या है बाइ डिस्क्राइबिंग वॉट द बेहेवियर इज बिहेवियर होता है क्या है तो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट एनलाइज कर सकते हैं कि ये क्यों होता है ठीक है और जब हम बिहेवियर को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि वो क्या है वो क्यों होता है तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर में दूसरी चीज जो आती है दैट इज टू एक्सप्लेन बिहेवियर अब बिहेवियर को हमने डिस्क्राइब तो कर लिया है उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों होता है इसके पीछे क्या रीजन है कौन सी चीजें बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं तो इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि कौन से आए हैं जो कि बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिहेवियर को ऑल्टर करते हैं या चेंज करते हैं ठीक है इसी वजह से इस रीजन uh, को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनकी बेसिस पर बहुत सारी थियोरीज दी जाती हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताती हैं एक्सप्लेनेशन के बाद आती है प्रिडिक्शन टू बिहेवियर जब हमने बिहेवियर डिस्क्राइब कर लिया उसको एक्सप्लेन कर लिया फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये बिहेवियर फ्यूचर में हो सकता है या नहीं आफ्टर डूइंग द बेसिस ऑफ अकरिंग बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट कैन प्रिडिक्ड व्हेन एंड व्हाई द बिहेवियर में अकर इन द फ्यूचर अगेन यानी जब हमें पता लग जाता है कि इस बिहेवियर uh, को प्रोड्यूस करने वाले क्या फैक्टर्स हैं तो फिर हम फ्यूचर के बारे में ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि अगर फ्यूचर में ये बिहेवियर प्रोड्यूस होगा तो क्यों होगा और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ठीक है फोर्थ जो हमारे पास एम या गोल आता है दैट इज टू चेंज बिहेवियर अब जब हमें पता लग गया है कि ये बिहेवियर फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं तो हम ये भी स्टडी uh, कर सकते हैं या हमारा ये एम या गोल हो सकता है कि हम उस बिहेवियर को, कर change, तो को चेंज कर सकते हैं कि नहीं साइकोलॉजी स्ट्राइव्स टू चेंज इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बिहेवियर टू मेक कंस्ट्रक्टिव लास्टिंग चेंजेस इन पीपल्स लाइफ अब अगर आप देखें तो आप बिहेवियर को इसका चेंज कर सकते हैं कि आप कोई नई चीज सीख सकते हैं आप किस चीज को लर्न कर सकते हैं या आप किस चीज़ को unlearn कर सकते हैं। आप कोई बुरी आदत खत्म करके किसी बिहेवियर को अनलर्न कर सकते हैं और नई चीज सीखकर या नई आदत पैदा करके आप चीज को लर्न कर सकते हैं तो ये बेसिकली आप अपने बिहेवियर में चेंज प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे पास चार गोल्स थे साइकोलॉजी के नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल जिससे हमें ज्यादा बेहतर पता लग जाएगा गोल्स के बारे में

उसके बाद हम कहते हैं व्हाट वुड हैपन इफ आई रिस्पोंडेड इन दिस वे यानी अगर हम बच्चों के बिहेवियर के रिस्पांस में अह ये कहें या ये, ये करें तो क्या वो ये बिहेवियर फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे या नहीं दैट इज प्रेडिक्शन ठीक है उसके बाद लास्ट आता है व्हाट कैन आई डू टू गेट देम टू स्टॉप डूइंग दैट यानी हम ऐसा क्या काम करें कि बच्चों का वो बिहेवियर स्टॉप हो जाए

उसके बाद हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब है हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं यानी जैसा अभी हमने बच्चों की बात की कि हम बच्चों से उनके बिहेवियर के बारे में पूछते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रिडिक्ट करते हैं और चेंज करने का सोचते हैं तो दिस मीन्स कि हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये साइकोलॉजी जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अब आगे आता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की अच्छा दूसरी चीज़ जो इसकी नेचर में आती है वो चीज वो ये है कि इट डिफर्स फ्रॉम अदर सोशल स्टडीज एन इंडिविजुअल अगर आप बाकी सोशल साइंसेज की बात करें सोशोलॉजी हो गया जैसे सोशोलॉजी भी कहते हैं इकोनॉमिक्स हो गया हिस्ट्री हो गई ठीक है तो ये तमाम सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल्स को स्टडी तो करते हैं लेकिन इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स या कॉलोनीज या कम्यूनिटीज या सोसाइटीज़ करते हैं ठीक है लेकिन जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के तौर पर ही स्टडी करती है और इंडिविजुअल को इंडिविजुअल uh, डिफरेंसेस की वजह से और यूनिकनेस की वजह से स्टडी करती है जबकि जो बाकी सोशल है वो ग्रुप्स और सोसाइटीज में स्टडी करती है तीसरी चीज जो हमारे पास नेचर में आती है वो है सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का यानी जो साइकोलॉजी की बेसिस हैं वो किन तीन चीजों पर है? affect, हैं दैट इज अफेक्ट बिहेवियर एंड कॉग्निशन जिसे हम ए बी सी भी कहते हैं। effect क्या होता है? अफेक्ट में जो आपके माइंड में जो एक्टिविटी चल रही है ना यानी आपका मूड कैसा है आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप इमोशनली कैसा फील करें वो आपका अफेक्ट हो जाएगा बिहेवियर में क्या होता है जब वही आप प्रैक्टिकली डिस्प्ले uh, करते हैं या आप उस एफेक्ट को एक्ट करते हैं या उस इफेक्ट को फिजिकली शो करते हैं तो वो आपका बिहेवियर बन जाता है इट इंक्लूड्स द एक्चुअल एक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है इफेक्ट और बिहेवियर के बाद जो स्टेज आती है वो कॉग्निशन में आती है जैसे कि मेमोरीज। एग्जाम्पल से अगर हम एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल ट्रिप या कॉलेज ट्रिप जा रहा है तो आपका क्या मूड होगा यानी आपका इफेक्ट क्या होगा आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बहुत खुश फील कर रहे हैं फीलिंग्स आपकी क्या है बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इमोशनल स्टेट बहुत हैप्पी uh, बहुत पॉजिटिव बहुत uh, कह सकते हैं कि एक्साइटिंग फील कर अब वही इफेक्ट आपके बिहेवियर में कैसे शो होगा आप हंसेंगे खेलेंगे आप बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट शो करेंगे आप खेलें कूदेंगे आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो करेंगे अपने एक्शन के जरिए ठीक है कॉग्निशन में क्या होगा जब वो आपका ट्रिप का वाला दिन गुजर जाएगा आपका वो दिन एक मेमोरेबल डे बन जाएगा तो वो आपकी मेमोरी में एक मेमोरेबल डे के तौर पर स्टोर हो जाएगा तो आपकी जो बेसिकली मेमोरी है वो आपकी कॉग्निशन है

और इनके साथ आपको कुछ भी समझ नहीं आता डू लेट मी नो इन सेक्शन और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लास्ट में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जिनमें उनका स्कोप भी वाजे हो जाएगा यानी ओवरऑल साइकोलॉजी का स्कोप द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह